बस इमेजिन करो अगर आपकी स्किन BTS V जैसी एकदम क्लियर ग्लोइंग स्किन होती तो कैसा होता। बट क्या ये पॉसिबल है और कैसे ना? आपको BTS कैसा भी लगे, लड़के और लड़कियों में इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इनसिक्योरिटीज़ आना कि मुझे भी यार ऐसी स्किन चाहिए, ऐसी स्किन मुझे भी मिल जाए, वो काफ़ी ज़्यादा लाजमी है ना। ऐसी स्किन मिलना यानी कि RCB को IPL ट्रॉफी मिलने के बराबर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरियन स्किन केयर और साथ में उसके कुछ देसी इंडियन ऑप्शंस, उसके कुछ देसी अल्टरनेटिव्स और साथ में BTS के कुछ सीक्रेट्स। BTS की स्किन जो है वैसी क्यों लगती है, इसके कुछ सीक्रेट्स। सो कोरियन स्किन केयर का पार्ट वन स्टार्ट होता है डबल क्लेंजिंग से। डबल क्लेंजिंग यानी कि दो बार फेस वॉश करना अलग अलग फेस वॉश यूज़ करके। पहले इसके अंदर एक ऑयल बेस्ड फेस वॉश यूज़ किया जाता है, बाद में एक फोम बेस्ड फेस वॉश यूज़ किया जाता है। आप ये करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो हमारा नॉर्मल एक फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो यार, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट कोरियन स्किन केयर रूटीन चाहते हो देन आपको दोनों यूज़ करने होंगे। अब आपको बताता हूँ डार्क सीक्रेट वन। ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है बोटॉक्स, फिलर्स और स्किन ट्रीटमेंट्स कराते हैं ताकि ये उतने ज़्यादा अच्छे लग पाएँ। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी कराते हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग ये ज़रूर करवाते हैं। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है एक टोनर। टोनर क्या करता है, हमारे स्किन को जो है टोन करता है और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, खासकर आपको एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं। तो मैंने पास्ट के अंदर यूज़ किया, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी उस टाइम पर ना। आप टोनर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं आते। अल्कोहल फ्री टोनर आपको यूज़ करना है और दूसरा ऑप्शन है गुलाब जल। गुलाब जल अगर आपको अच्छा मिल जा रहा है बिना ज़्यादा अल्कोहल और ज़्यादा उसके अंदर केमिकल्स के, तो आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हो यार, देसी है और बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट चीज़ आती है फेशियल एसेंस। फेशियल एसेंस जो होती है ये स्किन की जो है ना, वो सिर्फ इसके अंदर एक एसेंस यानी कि एक जो है खुशबू ऐड करती है आप कह सकते हो यार। इसको आप स्किप कर सकते हो, मतलब क्यों ही पैसे बिगाड़ने हैं, ठीक है? मतलब पेड़ पे तो नहीं उगते, स्किप कर देते हैं इसको, जो है स्मेल नहीं चाहिए हमें, एसेंस को हम कर रहे हैं स्किप। नेक्स्ट आता है लेयर ऑन योर सीरम। आपको एक सीरम यूज़ करना है, आप कैसे भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयल बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं, आप लाइट ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, एसेंशियल ऑयल बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप पहले देखो आपकी स्किन के साथ क्या सूट होता है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव ऑप्शन, ये भी हल्का सा जो है महंगा पड़ता है। तो अगर आप कोरियन स्किन केयर चाहते हो, कोरियन स्किन चाहते हो और कोरियन स्किन केयर को ऐसे फॉलो करना चाहते हो तो पैसा लगेगा। अब आपको बताता हूँ दूसरा सीक्रेट कि जो ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेकअप यूज़ करते हैं, काफ़ी हैविली मेकअप यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैविली मेकअप पे रिलाई करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनकी सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज भी सब होता है। और यहाँ पे ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग और बहुत ज़्यादा बढ़िया लाइटनिंग भी यूज़ होती है ताकि ये उतने ज़्यादा परफेक्ट लग पाएँ जितना आप देखकर जो है ऑब्सेस हो पाओ। सब सेलिब्रिटीज़, पॉप आर्टिस्ट, इन सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लुक्स का और इनको काफ़ी ज़्यादा जज किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल्स सेट किए जाते हैं। और जब हम इनको देखते हैं तो हमारे लिए भी अनरियलिस्टिक गोल्स सेट हो जाते हैं, पर उनको आप ज़्यादा दिमाग पे मत चढ़ने दो। और नेक्स्ट आता है जो सब स्किन केयर के अंदर होना चाहिए, वो है एक SPF यानी कि एक सनस्क्रीन। सन से खुद को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ठीक है सुबह के टाइम पे तो ठीक है, काफ़ी टाइम पे जो है सन की रेस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। तो सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो, चाहे आप कहीं से भी हो, कैसा भी स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, सनस्क्रीन एक मस्ट है। अब आप सनस्क्रीन स्प्रे यूज़ कर सकते हो, सनस्क्रीन जो नॉर्मल क्रीम्स आती हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके बजट की मर्ज़ी है, आप वो खुद फिगर आउट कर लो। अब नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइज़र। अब तक आप सोच रहे होगे कितना कुछ लगाएंगे भाई, मतलब स्किन पिच नहीं बन जाएगा, इतना कुछ लोपते जाओ लगाते जाओ, पता है यार। बट कोरियन स्किन केयर ऐसी ही है, कोरिया के अंदर बड़ी सारी चीज़ें अप्लाई की जाती है, बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो अब आपकी मर्ज़ी आपको क्या क्या करना है, लेकिन मॉइस्चराइज़र तो मुझे लगता है एक मस्ट होना ही चाहिए। आपको दिन में एक बार तो अप्लाई मिनिमम करना ही चाहिए। आप एक नॉर्मल अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लो, आप उसको ज़रूर अप्लाई करो ताकि आपकी स्किन के अंदर जो है हाइड्रेशन बरकरार रहे। नेक्स्ट चीज़ जो वो अप्लाई करते हैं वो एक रिफ्रेशिंग फेशियल हेयर स्प्रे। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो आप स्किप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। नाउ दिस इज़ ऑल्सो लाइक एक्सपेंसिव पड़ेगा यार, बजट को आप फालतू में बढ़ा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। बट अगर आप ऐड करते हो कुछ फेशियल स्प्रे या फिर कुछ ऐसे जेल्स तो काफ़ी ज़्यादा वो जो ग्लो और ये जो इनका हाइड्रेशन नहीं आपको दिखता, ये स्प्रे से, ये जेल से ही आता है जो ये लोग यूज़ करते हैं।
तो इसको आप कभी कभार अगर बाहर जाना और आपको वो ग्लो वाला स्किन पसंद है तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा, बट अब आपको इधर सोचना है कि आपको क्या थोड़ा वो नॉर्मल तरीका जाना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आपको होम रेमेडीज़ देसी तरीकों में ज़्यादा जाना है, ये आपकी चॉइस है। करने के लिए आपके बजट भी इसमें काफ़ी चीज़ें डिसाइड करेगा, आपके पास कितना टाइम है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिसाइड करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया बीच बीच में कि ये फिर जो भी आप कर लो ना, ऐसी स्किन आपकी कभी नहीं होने वाली, आप इससे बहुत क्लोज आ सकते हो, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, लेकिन ये स्किन बहुत मुश्किल है क्योंकि मेकअप और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो इसलिए ऑब्सेस मत हो जाओ, इसके पीछे पागल मत हो जाओ, खुश रहो जैसे हो, कॉन्फिडेंट रहो, प्यार करो खुद को और फिर ऐसे ऐसे इम्प्रूव करो ना यार।